तो मैं विकास चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पोक्सी फ्री में, और लेके आया हूँ किसान भाइयों के लिए कमाल की मशीनें। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे धान काटने की 5 तरह की मशीनों के बारे में, छोटे किसानों से लेकर बड़े किसानों तक, और सबसे कम रेट से लेकर ऊपर सबसे ज़्यादा रेट तक कौन सी मशीनें मिलती हैं, कहाँ से आपको मिलेगी, कितनी कंजप्शन है, कितना प्रोडक्शन है, कितना प्राइस है, बताऊंगा सारा कुछ इस वीडियो को, बस आप पूरा देखते रहिए। तो दोस्तों चलिए इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं धान काटने की मशीनों के बारे में। तो है साइथ की, ठीक है, जैसे कि आप मेरे साइड में देख सकते हैं, ये साइथ, इस साइथ को बनाया है विकल्प कंपनी ने, जो कि कानपुर में पड़ती है, एक युवा का एक स्टार्टअप है। इस विकल्प साइथ से आप कोई भी खड़ी फसल काट सकते हैं, चाहे वो गेहूँ हो, धान हो, गेहूँ हो, बरसीम हो, मक्का हो, बाजरा हो, कोई भी। और सबसे आश्चर्य की बात है, मात्र इसकी जो साइथ की कीमत है वो 8,000 रुपये है। दोस्तों ये कारनामा करके दिखाया है कानपुर की कंपनी ने, जिसका नाम है विकल्प। तो आप इसे ऑनलाइन ऑर्डर करके अपने घर पर मंगवा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं इनका कॉन्टैक्ट दे दूंगा। दोस्तों बात करें दूसरे नंबर की मशीन की, वो होती है ब्रश कटर, ठीक है। दोस्तों ब्रश कटर आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, धान काटने की सबसे सस्ती मशीन है, 8,000 से शुरू होता है और 15,000 तक खत्म होता है। 8,000 में आपको ब्रश कटर मिलता है टू स्ट्रोक का, 12,000 में आपको ब्रश कटर मिलता है फोर स्ट्रोक का, और जो 15,000 मिलता है वो मिनी होता है, फोर स्ट्रोक का है, लेकिन आप उसमें मिनी अटैचमेंट कर सकते हैं। तो अगर आप छोटे किसान हैं तो ब्रश कटर का यूज करके आप अपने धान की फसल की कटाई कर सकते हैं। दोस्तों जैसे कि आप ये देख सकते हैं तीसरी मशीन ये है, इसको बोलते हैं रीपर। बात करें इसकी कीमत की, तो ये आपको दो वेरिएंट में उपलब्ध होता है, एक 1,20,000 का आता है जो कि पेट्रोल से चलता है, दूसरा डीजल से चलता है, 1,50,000 रुपये का आता है। सब्सिडी राज्यों के हिसाब से ये दी जाती है। बात करें इसकी मतलब एफिशिएंसी की, तो ये 1 घंटे में 1 एकड़ आपकी धान की फसल काटता है। बात करें इसकी खर्च की, तो 65 रुपये प्रति घंटे खर्च आपको इसे चलाने में आएगा, ठीक है। तो ये बड़े किसानों के लिए थोड़ा सही है, छोटे किसान इसको नहीं खरीद सकते, मतलब ये थोड़ा महंगा उनको पड़ता है। बात करें दोस्तों चौथे नंबर पर BCS रीपर वाइंडर की, दोस्तों इसमें भी आपको दो वेरिएंट उपलब्ध हो जाते हैं। दोस्तों इसमें भी आपको दो तरह की मशीनें मिलती है, पहला 3 चक्कों वाली और दूसरी 4 चक्कों वाली। 3 चक्कों वाली की कीमत की अगर बात करें तो उसकी कीमत है 3,20,000। 4 चक्कों वाली मशीन की अगर हम बात करें तो उसकी कीमत है 5,20,000 रुपये। इसमें दोस्तों बहुत ज़्यादा फर्क है, अगर आप 3 चक्कों वाली मशीन लेते हैं तो आपको धान काटने के लिए अलग से ड्राइवर रखना पड़ेगा, उसकी काट उल्टी होती है। तो मैं आपको सलाह देना चाहूँगा, अगर आप बड़े किसान हैं और आप इस धान कटाई का बिजनेस भी करना चाहते हैं और आपके पास 100-150 बीघा ज़मीन है, तो आप जो मशीन लें 4 चक्कों वाली लें, और इसमें बहुत सारे मतलब वेरियंट दे गए। एक तो ये सेल्फ स्टार्ट है, इसको कोई भी ड्राइवर आसानी से चला सकता है। बात करें इसकी एफिशिएंसी की, प्रोडक्शन की, तो 1 घंटे में 1 एकड़ से ज़्यादा आपकी धान की फसल काट देती है। बात करें इसकी खर्चे की, तो 70 रुपये प्रति घंटा इस मशीन का आपको खर्च आता है। तो अब बात कर लेते हैं 5वें नंबर की मशीन और सबसे बढ़िया मशीन की। दोस्तों ये मशीन है ट्रैक्टर के आगे लगने वाला रिपर, ठीक है। ये भी दोस्तों दो वेरिएंट में आता है। पहला जो वेरिएंट है वो 75,000 रुपये का आता है, वो आपकी धान की फसल बस खाली काटता है, ठीक है। दूसरा अगर आप लोगे तो वो मैं आपको इसलिए प्रेफर करना चाहूँगा, इसलिए बता रहा हूँ, वो आपको 2,50,000 रुपये का मिलेगा। उसका बस फायदा ये है, अगर आप धान काटना चाहते हैं तो काट भी सकते हैं, और कोई फसल जैसे गेहूं हुआ, मक्का हुआ, बाजरा हुआ, बांधना चाहते हैं तो उसमें रस्सी का मतलब वाइंडर भी है, वो रीपर वाइंडर उसको बोलते हैं, उसे काटने के बाद बांध भी देता है, ठीक है। तो उसकी हम अभी बात नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं हम इसकी 75,000 रुपये वाले रीपर वाइंडर की। इसको आप खरीद के अच्छा खासा मुनाफा आप इस बिजनेस से कमा सकते हैं, मतलब आप अपने लिए भी ले सकते हैं। जो किसान भाई हैं, अगर आपके पास ज़्यादा ज़मीन है तो मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा आपको, बिल्कुल प्रेफर करना चाहूँगा, आपको ये लेना ही चाहिए, ठीक है। एक ये थी 5 मशीनें, उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। दोस्तों बात कर लेते हैं छोटे किसानों की, तो छोटे किसानों को मैं बताना चाहूँगा, अगर वो मशीनें खरीदना चाहते हैं तो पहले और दूसरे तीसरे नंबर की मशीनें आप खरीद लें। बात करें बड़े किसानों की, तो चौथे और 5वें नंबर की मशीन आप खरीद सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा महंगी है, छोटे किसानों के बजट में मशीन नहीं है। बड़े किसानों को ये महंगी मशीन खरीदने का फ़ायदा ये होगा, एक तो उनके पास ज़मीन बहुत सारी है, ज़मीन बहुत है, अपना काम कर सकते हैं, दूसरा आप बिजनेस भी कर सकते हैं, ठीक है, अपनी तो काट ही सकते हैं फसल, और दूसरे जो छोटे किसान
भाइयों की फसल काट के भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि धान कटाई का सीज़न आने वाला है, तो मैं इसी वजह से वीडियो बना रहा हूँ। तो फिलहाल की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। अगली वीडियो में बहुत जल्द आएगी, 3-4 दिन बाद वीडियो, उस वीडियो में हम आप के लिए 4-5 मशीनें लेके आएंगे, धान झाड़ने वाली और हार्वेस्टिंग वाली, और धान थ्रेसर मशीन के बारे में भी जानकारी आपको देंगे। नमस्कार।